नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्वागत है। और मैं आज आपके साथ में मौसम के अनुसार एक रेसिपी और शेयर करना चाहूँगी, बाजरे का हलवा। ये मैंने एक कटोरी आटा लिया है बाजरे का, और मैं गुड़ के साथ बनाऊँगी, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छा होता है पाचक। और सर्दियों में क्या, पूरे वर्ष भर ये बहुत अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए, इसे हमें खाना चाहिए। तो मैं गुड़ के साथ में इस हलवे को बनाऊंगी, और थोड़े से मैंने बादाम काट लिए हैं, आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो वो काट लीजिएगा। हल्का गुनगुना पानी लिया है मैंने, और घी आवश्यकता अनुसार लेंगे। सबसे पहले इस पैन में इसको हम गर्म कर लेते हैं, और थोड़ा इसमें घी डाल लेते हैं। घी पिघल जाए इतनी देर हम इंतज़ार करेंगे, और ये हलवा बहुत झटपट बन जाता है। आप गर्मा गर्म खाइए, बच्चों को खिलाइए। इसके पिघलने पर हम इसमें सबसे पहले अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ताकि उनका कच्चापन दूर हो जाए। घी जो है 1.5 से 2 बड़े चम्मच डालिएगा, और इसकी मात्रा आपके आटे पर निर्भर करती है कि आपने आटा कितना लिया है। फ्रेंड्स, ये हमारा घी जो है पिघल गया, इसमें हम हमारे बादाम जो है वो थोड़ी देर इसमें डाल करके इसके कच्चेपन को दूर करेंगे। ज़्यादा देर हमें नहीं इनको फ्राई करना है, नहीं तो इस ये बहुत जल्दी जलते हैं। और इसी में अब हम हमारा आटा डाल देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे, जब तक इसका घी जो है वो अलग ना हो जाए। और फ्रेंड्स, गैस को मीडियम रखिएगा, लगातार चलाते रहेंगे। इसकी अलग से ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है। हर एक अनाज का अपना रंग रूप और गंध है, और ये बाजरे की गंध जो है, सुगंध आनी शुरू हो गई है। और इसको हम इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड्स, इसमें घी मैंने 100 से 125 ग्राम के करीब डाला है। देखिए, इस तरह से घी जो है वो आटे में हो जाना चाहिए, यानी इस तरह का लिक्विड सा बन जाए, ताकि वो अच्छी तरह से भून सके। ये फ्रेंड्स देखिए, इसका कलर चेंज हो गया, हल्का सा ब्राउनिश होने लगा है, यानी जो कलर इसका था उस पर सुनहरापन आ गया है। अब हम इसमें अपनी जैगरी यानी गुड़ डाल देंगे, और इसकी मात्रा को आप कम और ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। इसको जब तक मेल्ट हो, तब तक हम इसे इसमें ही पकाएंगे और हिलाते रहेंगे। आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा इसमें मेल्ट हो गया है, और ये दाने हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे बादाम के हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसको चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी ना डालें, इसको मिक्स करें। और आटे का डबल पानी इसमें हम डाल देंगे। देखिए, इसको मिलाते जाइए, और ये जब तक तला ना छोड़ दे पूरा, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। यानी 1 से 1.5 मिनट का समय इसमें लगेगा हमारा, ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने देखे घी तो छोड़ना शुरू कर दिया है। ये हमारा, ये आप साइड से देख पाएंगे। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको अब आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म। बहुत स्वादिष्ट और गर्मी देने वाला है, फटाफट। यानी मैंने इसको 7 मिनट में बना लिया, 4 आदमी के खाने के जितना एक कटोरी से बन जाता है। ये फ्रेंड्स, हमारा बाजरे का हलवा तैयार है। और देखिए कितना इसने, जितना घी हमने डाला था उतना ही इसने फिर से छोड़ दिया है। आप फ्रेंड्स, इसको, इस रेसिपी को
आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।